जंग लगे ये जहाज बताते हैं कि कभी यहाँ समंदर हुआ करता था, लेकिन अब रेगिस्तान है। इन जहाजों को यहाँ मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन समंदर ही नहीं बचा तो मछलियाँ कैसे बचती। कभी इस जगह पर एक बड़ा समुद्री बंदरगाह होता था, लेकिन अब बस यहाँ धूल उड़ती है। ये कहानी है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील के दम तोड़ जाने की, जिसे दुनिया अराल सागर के नाम से जानती है। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच पड़ने वाला अराल सागर 1960 में पानी से लबालब हुआ करता था और ये 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला था। लेकिन हाल के दशकों में अराल सागर इतना सूखा कि अब सिर्फ 10% ही बचा है। यहाँ उज्बेकिस्तान के मुनाक इलाके में इस प्राकृतिक त्रासदी को बखूबी महसूस किया जा सकता है। वैसे तो उज्बेकिस्तान का 80% इलाका ही रेगिस्तान है, लेकिन लगातार सूखे की वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। इस इलाके में तो हालात और गंभीर हैं। अराल सागर का पानी तो सूख गया, लेकिन जमीन पर अत्यधिक नमक वाले बालू की परतें बची रह गईं, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये नमकीन बालू उड़कर एशिया में जापान और यूरोप में स्वीडन या फिनलैंड तक पहुंच जाता है। ये बालू स्थानीय लोगों के लिए बीमारियों की वजह बन रहा है। लेकिन उज्बेकिस्तान की काराकल्पाक स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि वो पेड़ लगाकर इस इलाके का कायाकल्प कर सकते हैं। हमारा मकसद मुनाक इलाके में पर्यावरण की स्थिति को बेहतर बनाना है। राष्ट्रपति शफकत मीर जियोयेब इस इलाके में विकास की हर पहल का समर्थन करते हैं। अब काराकल्पाक यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पेड़ लगाने में मदद कर रहे हैं। आज हम यहाँ आलू बुखारा, अंगूर, सेब, खुमानी और चेरी के पेड़ लगा रहे हैं। भविष्य में हम इसे एक शैक्षिक स्थल भी बनाना चाहते हैं। जिन नदियों का पानी कभी अराल सागर में आकर गिरता था, सोवियत दौर में उनका रास्ता बदलकर उन्हें बंजर इलाकों की तरफ ले जाया गया ताकि वहां कपास की खेती हो सके, लेकिन अब इसकी ये गंभीर कीमत चुकानी पड़ रही है। जब झील गायब होने लगी तो लोग भी इस इलाके को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि झील न रहने की वजह से उन्हें आर्थिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होने लगीं। नासा का कहना है कि 1960 के दशक में अराल सागर में बर्फ पिघलने और बारिश से 50 घन किलोमीटर ताजा पानी आता था, लेकिन 1980 आते आते ये आंकड़ा शून्य हो गया। बढ़ते नमक और अराल सागर की वजह से जमा रसायनिकों को रोकने का एक तरीका यह है कि पेड़ लगाए जाएं। सागर का तल सूख जाने से जमा हुए बालू से निपटा जाए। अराल सागर में पानी इतना कम हो गया कि उसका तट अब मुनाक शहर से दर्जनों किलोमीटर दूर चला गया है। शहर में भी अब चंद हजार लोग ही बचे हैं। जितना पानी सूखेगा, रेगिस्तान उतना ही फैलेगा। इसलिए अब यहाँ के अधिकारी पेड़ लगाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। हमने दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में 500,000 टन से ज्यादा बीज जमा किए और इन बीजों की मदद से 500,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर पौधे लगाए जा सकते हैं। हमारी योजना पतझड़ के मौसम में भी पेड़ लगाने की है और यहाँ 1,000,000 हेक्टेयर जमीन पर हम पेड़ लगाना चाहते हैं। यह समंदर सूखने से बने रेगिस्तान का एक तिहाई हिस्सा है। अराल सागर को फिर पानी से लबालब करना तो शायद संभव नहीं, लेकिन पेड़ों से यहाँ हरियाली तो लाई जा सकती है।